संजय, 2 महीने से पेट से हूँ। भाभी से कहो तो झाड़ू पोछा ही कर लिया करें, मुझे बहुत दिक्कत होती है। एक तो वो शुरू से घर संभालती हुई आई हैं, ऊपर से अभी भी तुम उन्हीं पर काम का बोझ डालना चाह रही हो। झाड़ू पोछा वाली ही लगवा दो। हाँ, और तुम आराम से महारानी बन के खाओ बैठ के। महारानी तो तुम्हारी भाभी हैं, हम तो इस घर में नौकर बनाकर लाए गए हैं। तुम मेरी माँ समान भाभी के बारे में ऐसे बोलोगी? ये लो साफ करो, इसे भी धुलो, ये लो सारे बर्तन तुम धोगी। स्वाति, फ्रिज के पीछे भी पोछा मार देना। ठीक है भाभी। अबे आप कब आएंगे? अरे तुम तो जानती हो ना जॉब कैसी है। और वो संजय स्वाति क्या कर रहे हैं? स्वाति तो बाहर कमरे में लेटी हुई और संजय ऑफिस गया है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी ऑफिस में हो। ठीक है, ओके बाय। स्वाति, खाना बन गया हो तो खाएं वरना जाएं ऑफिस। ऐसे रोटी बना रहे हैं, पता नहीं रात भर क्या करती हैं। ये नहीं कि सुबह जल्दी उठ के नाश्ता तैयार कर दें। स्वाति, स्वाति। हाँ आई। स्वाति। हाँ भाभी। एक कप चाय दे दो। ला रहे हैं भाभी। भाभी से कोचिंग के लिए बात करना सही रहेगा? मना न कर दे। चलो एक बार देखते हैं, बात करके हो सकता है मान ही जाए। स्वाति, तुम पी चुकी चाय? अभी नहीं भाभी। जा पियो जाके। भाभी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हम्म? भाभी वो मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, अगर आप संजय से कहेंगी तो वो मुझे ज्वाइन करा देंगे। क्या स्वाति, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? इतना पेट लेके कोचिंग कैसे जाओगी? देखो स्वाति, इस खानदान की लोग बाहर इज्जत करते हैं, तुम उसे मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई हो। सॉरी भाभी। अंग्रेजी के 2 अक्षर क्या सीख लिए, इनको लगता है परीक्षा पास कर ली हूँ। हेलो। हाँ शुक्ला जी,
अरे आपको कहने की जरूरत थोड़ी ना है शुक्ला जी। हाँ मुलाकात होती है। हाँ वो फाइल शुक्ला जी के ऑफिस में पहुंचा दिया हमने, वहां जाके ले लेना। ठीक है बैटिंग भी बोले थे। अबे तो आधा घंटा रोक नहीं सकते थे क्या? चल रखो भी, कल ऑफिस आके देखते हैं। स्वाति मेरी चाय बाहर ले आना। जी। भाभी आप झाड़ू लगा रही हैं? बेटा स्वाति तो झाड़ू लगाती नहीं है, कोई ना कोई को तो लगानी ही पड़ेगी। मतलब परेशान करके रख दिया है भाभी इसने, कोई काम नहीं करना चाहती है। कुछ कहना नहीं उससे वरना वो मेरे ऊपर चढ़ बैठेगी। ये आपकी चाय है, ये भाभी की विदाउट शुगर। भाभी आइए चाय पीजिए और झाड़ू स्वाति को दीजिए। बेटी भाभी स्वाति नेल कटर देना। ये लीजिए। स्वाति तुम शहर में रह के इतने काम में थक जाती हो, मैं गांव के कच्चे घर में रही हूँ और मेरी वजह से तुम शहर में आई हो, वरना गांव में बैठी रहती। भाभी अगर मेरी जॉब लग जाए तो आप मेरे साथ चलेंगी? स्वाति अंग्रेजी के दो अक्षर जान लेने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। बाहर जॉब करना मर्दों का काम है, तुम्हारा काम घर का खाना बनाना है, वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। भाभी ये सब नियम कानून बनाए तो हम ही लोगों के हैं। चुप करो, छोटी होके जबान लड़ाती हो मुझसे? आने तो संजय को बताती हूँ तुम्हारी करतूतें। अब कौन आ गया? किससे मिलना है भैया? स्वाति जी यही रहती हैं? हाँ यही रहती हैं। उनके नाम का लेटर आया हुआ है, भेजती हूँ। स्वाति। हाँ भाभी लाई चाय। नीचे जाकर देखो तुम्हारे नाम से कुछ आया है।
नीचे जाकर देखो क्या मंगाई हूँ। भाभी वो नहा रहे हैं, बाहर निकले तो उनसे कह देंगे तो नीचे जाकर ले आएंगे। वो तुम्हारे मायके से नहीं आए जो तुम्हारा बाहर इंतजार करेगा, जाओ नीचे लेकर आओ जाके। बेल बजी थी, कौन आया था? स्वाति के नाम से आया है कुछ, वही कुछ मंगाई होंगी। मैडम आप इस हाल में जीने से चढ़ती उतरती हैं, किसी से बोल देती तो आके ले जाता। वो भाभी बीमार है और घर पर कोई है नहीं। अच्छा मैडम। संजय मेरा पीसीएस का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ये देखो। पीसीएस का? तुम एग्जाम देने कब गई? जब वो घर जाते थे ना रुकने के लिए तभी देते थे वहां से। स्वाति तुम एक लड़की हो और बाहर का काम करने के लिए अभी घर के मर्द